जिंदगी किसी को नहीं बख्शती, मांगी हुई हर खुशी देती है, लेकिन उसके बदले हर इंसान को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मेरी हालत पर शायद आपको तरस आ रहा होगा, लेकिन यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। इसकी शुरुआत बचपन में हुई थी। घूर क्या रहा है बे? हाँ, चोरी करता है। इसी उम्र में चोरी करना सीख गया। हाँ? पढ़ने लिखने की उम्र में चोरी करता है। अरे भागता कहाँ है? पकड़ो इसे, पकड़ो। अच्छे बच्चों को मैंने ठीक कर दिया है। तेरी तो औकात ही क्या है पिद्दे? हाँ, बोलना क्यों मार रहा है? मारू नहीं तो आरती उतारू तेरी। तू जानता नहीं मेरा उस्ताद कौन है? तेरी तो वो यूं छुट्टी कर देगा। कौन है तेरा उस्ताद रे? जॉनी भाई। अपन जॉनी भाई के लिए काम करता है। राम साहब, ये मेरा छोकरा है, छोड़ दो इसे। तो ये है तेरा जॉनी भाई? हाँ यही है। अब देख तेरे इस जॉनी भाई की कैसी खातिरदारी करता हूँ। और क्या हाल है साहब? भाभी बच्चे सब मजे में ना? मारा क्यों? अरे सर 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 सर, ये पूछ रहा है, ये कहता है कि मुझे हाथ मत लगाना क्योंकि मैं जॉनी भाई का आदमी हूँ। अबे तेरी औकात क्या है? तुझे क्या लगता है तेरा इतना बड़ा खौफ है कि मैं तुझसे डर जाऊंगा? तेरी चमड़ी उधर दूंगा। ये छोकरा कहता है कि तेरा नाम सुनकर मुझे सूसू आ जाएगी। अब मैं तेरी पत्नी गीली करता हूँ। दुनिया उल्टी हो गई। अबे देख इसकी बिना साबुन के कैसे धुलाई हो रही है। मर गया, बचाओ, माफ कर दो। उल्टा सीधा बोल दिया होगा। एक मिनट ये लो और बात को खत्म करो। इसका वजन इतना हल्का क्यों है? मंदा मंदा चल रहा है सर। चल फूट यहाँ से। जी साहब, ए चलो रे निकलो। हर सुन, बच्चे को आगे से ज्यादा हीरो मत बना। इसे समझा दे कि असली हीरो हम पुलिस वाले हैं। इसे सबको समझा दूंगा। मेरे बारे में क्या बोला उसको? मैं तेरे को हीरो समझा इसलिए तेरा नाम लिया, पर तू तो जीरो निकला। एक पुलिस वाले से मार खा लिया। फिर क्या, मैं उसे मारता? ऐसे सांड जैसे शरीर का क्या फायदा? एक घुमा कर देना था उसे। मरना है क्या? अरे वो पुलिस वाला है। पुलिस वाला है तो क्या हुआ? चोरी तो वो भी दबा के करता है ना। अब उन लोगों से अपना ही माल छीनता है, तो उसमें और हमें फर्क क्या है? फर्क पड़ता है उस वर्दी का। पुलिस की वर्दी पहनकर वो कुछ भी करे, उसे कोई कुछ नहीं बोल सकता। वो पुलिस वाला है, पुलिस वाला। ए, मैं तुझसे कुछ कह रहा हूँ, तू उधर देख रहा है? मैं समझ गया हूँ, तुझ जैसे लुक्के के साथ कुछ नहीं करना। अब कुछ और करूँगा। फिर क्या करेगा? वर्दी पहनूंगा, पुलिस वाली वर्दी पहनकर असली हीरो बनेगा अपुन। ए, क्या बोला? फिर से बोल। जानता है क्या तूने हाथ किस पर डाला है? होने वाले पुलिस ऑफिसर पर। चल हाथ हटा। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं बड़ा होकर पुलिस वाला बनूंगा। लोगों ने कहा पुलिस में जाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं अनाथ था, स्कूल भेजने वाला कोई नहीं था, इसलिए दिन में काम करता और रात को नाइट स्कूल में जाता। रास्ते में बहुत दिक्कतें आईं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। जानता था पुलिस वालों को जिंदगी में सारे ऐशो आराम मिलते हैं। 100 रुपए लो और छोड़ दो ना साहब। लाइसेंस ना हो तो 100 रुपए मिलते हैं। चोर को पकड़ा जाए तो माल पर आधा हक उसका होता। दो लोगों के झगड़े में दोनों से पैसे वसूल कर सकता था। मैंने खूब सारी फिल्में देखी और पुलिस वाले हीरो के डायलॉग बोलने की कोशिश किया करता था। पुलिस की वर्दी में कितनी ताकत है ये मैंने तब समझा। पुलिस की वर्दी पहनकर खुलेआम गुंडागर्दी कैसे कर सकते ये मैंने उन फिल्म से सीखा। भले हम कितना भी सीधा काम क्यों ना करने की कोशिश करें, ऊपर से कोई ना कोई हम पर प्रेशर जरूर डालता है। इसीलिए खुद टेढ़ा होने में ही समझदारी है। नौकरी भले ही सरकारी हो पर वफादारी उन्हीं से करनी चाहिए जो पैसे देते हैं। मैंने सीखा कि अगर कानून अपने हाथ में हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जिसे मर्जी हो अंदर कर सकते हैं, किसी पर भी झूठा इल्जाम लगा सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब पैसे आते हैं तो साथ में रुतबा आता है, इज्जत बढ़ती है, सब कुछ मिलता है। और इस सब की वजह है ये वर्दी। तभी मैंने तय कर लिया कि मैं बनूंगा तो पुलिस वाला ही, बाय हुक और बाय क्रुक। मैदान में, बाजार में या तुम्हारे अड्डे पर, बोलो। दिन रात कड़ी मेहनत करके मैंने 10वीं पास कर ली, लेकिन डिग्री हासिल करना काफी मुश्किल था। एक बार तो मैंने हार मान ली थी, लेकिन देश में हो रहे हजारों घोटालों ने मेरा इरादा फिर से मजबूत कर दिया। काली कमाई और रिश्वतखोरी की दुनिया से मैं खुद को दूर नहीं रख पाया। रात भर जागकर खुली आंखों से पुलिस इंस्पेक्टर बनने का सपना देखता था। अंकल, मैं और पढ़ाई नहीं कर सकता। अभी डिग्री के लिए और 5 साल लगेंगे, क्या करूं? सिर्फ पढ़ाई करो, मेहनत करोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ोगे। वही मेहनत खरीद लूं तो? क्या कह रहे हैं?
मैं पैसों से डिग्री खरीदूंगा। आखिरकार पैसों के दम पर मैंने डिग्री खरीद ली। हर फिजिकल टेस्ट को मैंने अपनी काबिलियत से पास किया। शायद मेरी अच्छी किस्मत थी या आपकी बुरी किस्मत, पर मैं सीनियर इंस्पेक्टर बन ही गया। जय हिंद। घूर के क्या देख रहे हो? आजाब समंदर काय के लिए बना है? मछलियों के लिए। बिल्कुल सही बोला, पर अपन नाव में बैठकर उधर मछलियां पकड़ने जाता है। मतलब कि अपन लोग फिशिंग के लिए जाता है उधर, फिर भी पुलिस उसे स्मगलिंग का नाम देती। सिर्फ उतना ही नहीं, पुलिस अपने पंटरों को पकड़कर जेल में भी डाल रही है। आज एक इंस्पेक्टर ने अपने भाइयों को अंदर कर दिया। उसे खलास करने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन उसके मरने के बाद फिर कोई ईमानदार ऑफिसर आ गया तो सारी की सारी मेहनत बेकार। समझे? सिर्फ उस ऑफिसर की जगह पर किसी ऐसे को बिठाओ जो अपने इशारे पर हमारा काम करे, बस। उसका ईमानदारी नाम की बीमारी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। अगर शॉर्ट में अपन बोले ना तो अपना पालतू कुत्ता बन के रहना चाहिए। तुमसे बड़ा हरामी और कहाँ मिलेगा? हाँ, याद आया मुझे, ऐसा एक आदमी हैदराबाद में है। अगर हम सब मगरमच्छ है तो वो शार्क है। शार्क? हाँ। पुलिस! You're under arrest.